मेरे भरोसे के आदमी नन पाटेकर ने मुझे बताया कि गांव में एक मिशन पे तुम्हें जाना होगा। शादी में अंडरकवर गेस्ट बनकर मैं गांव पहुंचा और हर एक चीज पर चील की तरह पैनी नजर रख दी। थोड़ी देर में समझ में आ गया कि कड़ाही में घूर के कोई फायदा नहीं होने वाला। चाउमीन वालों ने तुरंत भगा दिया क्योंकि मेरी दाल कड़ाही में चू गई थी। उनकी खुशी में शामिल होकर डांस करने लगा ताकि शक न। तभी मुझे नागिन की एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। इसका मतलब यहाँ मेरा दूसरा एजेंट हेमांग बदानी आ चुका था। पर ये क्या, ये मुझे इशारा करने के बजाय खुद ही मस्त हो गया। बदानी अपने कैरेक्टर में इतना ज्यादा डूब चुका था कि उसे मिशन से कोई लेना देने नहीं था। वो खुद नाग बनकर जमीन पर लौटने लगा। शादी में दूल्हा और दुल्हन का भावपूर्ण मिलन देखकर मेरी आंखें भर आई। इमोशनल हो गया और दूल्हे का कन्यादान कर दिया। फिर याद आया मैं तो मिशन पर आया हूं। घात लगाकर बैठे हुए किलर पर मेरी नजर पड़ गई। मैंने जाके धर दबोचा और उसे पूछा नाम क्या बताया। उसने बोला भूपेंद्र जोगी। मिठाई वाले कमरे से मिठाई गायब कर